इंसानियत पर यकीन रखने वाले हर फर्द से आज का सवाल, क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह सवात में दरिंदा सिफत सफाक लोगों ने एक 16 साल मासूम लड़की को एक झूठे इल्जाम में जमीन पर उल्टा लिटाकर उसके कमजोर जिस्म पर सरेआम कोड़े बरसाए हैं, इसी तरह आपकी माँ बहनों और बेटियों को भी ये दरिंदा सिफत सफाक जमीन पर उल्टा लिटाकर कोड़े बरसाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी माँ बहनों और बेटियों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी माएं बहनें और बेटियां अपने भाइयों और होनी रिश्तेदारों के साथ घर से बाहर निकलें तो बदकारी का शर्मनाक इल्जाम लगाकर उन्हें भी सफाकाना सजाएं दी जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी माओ बहनों बेटियों को गन पॉइंट पर शटलकॉक बुरके में बंद कर दिया जाए और अगर वो शटलकॉक बुरके के बगैर बाहर निकलें तो उनके चेहरों को तेजाब फेंक कर जला दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी बहनों और बेटियों की तालीम हासिल करने और मुलाजमत करने पर पाबंदी लगा दी जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके शहर में भी लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों को बमों से उड़ा दिया जाए और उन्हें आग लगा दी जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके भाइयों और बेटों को शेव करने पर जमीन पर उल्टा लिटाकर कोड़े मारे जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके शहर में भी दरिंदा सिफत सफाक हैवानी निजाम राइज हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके शहर में भी सफाकों की बनाई हुई डंडा बरदार शरीयत मुसल्लत हो जाए और आपको पत्थर के दौर में भेज दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी शहरी आजादियां छीन ली जाएं और आप पर जबर का निजाम मुसल्लत कर दिया जाए? अगर नहीं तो फिर आइए और दरिंदगी और हैवानियत के खिलाफ इंसानियत की इस जंग में हमारा साथ दीजिए और ख्वातीन की इज्जत और एहतराम, शहरी आज़ादी, मजहबी अतदाल पसंदी और अपने इंसानी हकूक के लिए मजहबी इंतहा पसंदों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और अपने इत्तेहाद से तालिबानाइजेशन को नाकाम बना दें। قومی موومنٹ پاکستان